ये ऐसे बाज नहीं आएगा। आज इसका निकाह है और ये यहां खड़ा है। जो कुछ भी करना है उसके लिए इससे अच्छा मौका नहीं होगा हमारे पास। क्या मतलब? मैं बताता हूं आपको। देखिए, गिरने की वजह से और उनके ट्रॉमा की वजह से हम बच्चे को नहीं बचा सके। सही कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फरिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं तुमको ही फोन करने वाली थी। बचिया, कुछ अंदाजा है आपको क्या टाइम हो रहा है? क्यों नहीं आए आप लोग अभी तक? सब मेहमानों को संभालना मुझे मुश्किल हो रहा है। आखिर ऐसी कौन सी परेशानी आ गई जो आप लोग पहुंच के नहीं दे रहे हैं? बस मैं क्या बताऊं तुम्हें फरिया, किस मुश्किल में फंस गए हम लोग। बहुत परेशानी है घर में। वो दानियाल की बीवी है ना दिया, वो हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन है, मिसकैरेज हो गया उसका। तो मैं क्या करूँ? यहाँ सब मेहमान आ गए हैं, मुझसे बार बार पूछ रहे हैं क्या जवाब दूं मैं उनको। ये बेटी दुल्हन बनी बैठी है। हाँ बस फिक्र नहीं करो, जैसे ही वाली आता है ना हम लोग फौरन चल पड़ेंगे यहाँ से और पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। क्या वली अपने निकाह में आने के बजाय हॉस्पिटल में क्या कर रहे? उस लड़की का शौहर उसके ससुराल वाले है ना? वो दरअसल घर की बात है ना, तो जब मैं वहाँ पहुँचूंगी ना तो फिर सब बातें बता दूंगी तुमको। बहुत अजीब बात है बचिया, फली को अपनी बारात लाने के बजाय अपनी भाभी की तीमारदारी की ज्यादा फिक्र है। मुझे सच सच बताएं, अभी जब ये सब कुछ हो रहा है तो आगे क्या होगा? वली अपनी पसंद से शादी कर रहा है ना, कहीं आप उस पर जबरदस्ती तो नहीं कर रही? नहीं नहीं परिया, कैसी बातें कर रही हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं कुछ भी नहीं है ऐसा। बचिया आपके पास सिर्फ आधा घंटा है, आधे घंटे में आपको बारात यहाँ लेकर आनी है, वरना फिर मुझसे कोई शिकायत नहीं कीजिएगा। हाँ हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। खुदा हाफिज। शुक्र खुदा का तुमने फोन तो उठाया। वली क्या कर रहे हो तुम, कहाँ हो? बारात लेके जानी है, इतनी देर हो चुकी है ऑलरेडी। मैं जब तक बिया को होश नहीं आती मैं यहाँ से नहीं आऊंगा। वली तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कैसी बातें कर रहे हो? देखो ये मजाक का वक्त नहीं है। मां मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जब तक बिया होश में नहीं आ जाती मैं यहाँ से एक कदम नहीं उठाऊंगा। वली होश में आ जाओ, क्या कह रहे हो, समझ में आता है कुछ तुम्हारे? आप आंटी को मेरी तरफ से सॉरी कह दीजिए, मैं मियां को छोड़ के नहीं आ सकता। तुम पागल वागल तो नहीं हो गए वली? तो है शादी आज, सॉरी कर लें। सॉरी कैसे कर लूं? चलो सी तरह से जाओ। कर दिया? पागल वागल तो नहीं हो गया ये लड़का? परवीन ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है।
फरिया क्या हुआ? महविश को फोन किया? लोग बेजार आ चुके इंतजार कर करके, महविश को पूछो आ रही है या नहीं। अभिया उनके घर में कोई इमरजेंसी हो गई थी इसलिए देर हो गई। और हमारी इज्जत जो यहाँ दाव पे लगी है उसका एहसास है उन लोगों को? अभी बारात थोड़ी लेट हुई है तो लोग इतनी बातें कर रहे हैं। सोचो अगर बारात ना आई तो क्या कुछ नहीं कहेंगे वो लोग हमारी बच्ची को। मैं क्या करूं अभी, आप ही बताएं। कहा भी था मैंने तुमसे कि महविश की बातों में मत आओ, उनका लड़का किरदार का सही नहीं है। भूल गई हो तुम वली की माँ को? लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। देखो मैं अभी भी कह रही हूँ कि हुजैफा और पलवशा के निकाह के बारे में सोचो, वरना सारी जिंदगी पछताओगी। तुम बता रही हो मैं तो ऐसी बातें मत करें आप। तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही? अभी जब पूरा खानदान बातें बनाएगा तो क्या जवाब दोगी उन्हें? फोन करो उन्हें, पूछो कहाँ रह गए, क्यों नहीं आए अभी तक। क्या हुआ? नसरीन, नसरीन क्या हुआ भाई? जी क्या हो गया, तुम इतनी देर से कहाँ थी? ड्राइवर ने गाड़ी लगाई कि नहीं? नहीं जी ड्राइवर तो नहीं है, वो तो अकबर साहब को हॉस्पिटल लेके गया हुआ है। मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। खैर कोई बात नहीं, मैं किसी भी मेहमान के साथ चली जाऊंगी हॉस्पिटल। जी अच्छा। भाभी बेगम 3 घंटे गुजर गए हैं, बारात लेके जानी भी है कि मेहमानों को यहीं बिठा के रखना है। कैसी बातें कर रही हैं आप, अल्लाह ना करे क्यों नहीं बारात लेके जानी होगी, बस जैसे वली आता है हम लोग निकलते हैं। ये वली जो है हॉस्पिटल जाके क्यों बैठ गया है? आज तो बारात का मौका है, उसे तो यहाँ होना चाहिए। मेरा मतलब है देवर भाभी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की वाले माइंड कर जाए। नहीं नहीं आप फिक्र ना करें शायदा, वो लोग हमें अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे भी और वली को भी, तो वो इस किस्म की कोई बात नहीं सोचेंगे, और प्लीज़ आप भी ना सोचें। अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं कि हम लोग खुद ही पहुंच जाते हैं दुल्हन वालों की तरफ, आप वली से कहिए कि वो भी वहीं पहुँच जाए। जी चलो फिर मेहमानों को बता। Mom, are they coming or not? Hello. जी मैं फरिया बात कर रही हूँ। नरमीन भाभी क्या हुआ है, आप लोग कहाँ रह गए? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम अनस, बेटा तुम्हारा दोस्त है कहाँ इस वक्त? क्या वो आंटी सब खैरियत है? पागल हो गया क्या वो? आज उसकी शादी है, बारात लेकर जानी है, वो गायब है। आंटी आप प्लीज परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ, मैं समझाऊंगा वली को।
हाँ बात करो उससे, कहो हमारी इज्जत का सवाल है भाई, सारे मेहमान जमा हो गए, उसको दूल्हा बनना है और वो हद होती है भाई। आंटी मैं कॉल करता हूँ वली को, आप रिलैक्स हो जाएं। हाँ बेटा जल्दी से कॉल करो। या अल्लाह इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं ताईजान, यहाँ आए प्लीज। मुझे तो बच्चे ने परेशान करके रख दिया है भाई, आज उसकी शादी है, आप देखो उसकी हरकतें। वो आ गया है। कहाँ थे तुम? हैं? बारात जानी है तुम्हारी और तुम गायब हो, शर्म नहीं आती? मैं जाने के लिए तैयार हूं। चले बेहुदा मजाक था ये, जान ही निकाल दी माँ की, माँ से कोई ऐसा बेहुदा मजाक करता है क्या? लेकिन मुझे पता था मेरा वली कभी अपनी माँ को मायूस नहीं करेगा, है ना? अरे अकबर हुसैन और नरमीन को तो फोन कर दूं कि हम लोग निकल गए। भैया को फोन कर रही हूँ, उठा ही नहीं रही हम मेरा फोन। मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।